टॉप फोर बेस्ट पावरफुल स्मार्टफोन्स अंडर 14,000 रुपीज। सो दोस्तों, क्या आपका भी बजट लगभग 14,000 रुपए है और आपको भी इस बजट के अंदर अपने लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट फ़ोन लेना है, जहां पर कैमरा क्वालिटी अच्छी हो, कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले अच्छी हो, साथ ही साथ गेमिंग के लिए अच्छा खासा प्रोसेसर हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस लिस्ट को, और सबसे पहले हम बात करते हैं उन यूज़र्स की जिनका बजट थोड़ा सा कम है लेकिन उन्हें एक अच्छा और फ्यूचरिस्टिक 5G फ़ोन लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीवो का T2X भी रिसेंटली लॉन्च किया गया, और ये स्मार्टफोन भी लुक के मामले में काफ़ी कमाल का है। ये फ़ोन भी पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, पर बिल्ड और डिज़ाइन के मामले में आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आती। वैसे ये फोन भी 8.1 मिलीमीटर की थिकनेस और 184 ग्राम्स के साथ में आता है, सो लाइट वेट और स्लिम भी है। चलिए बात करते हैं अब डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.58 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, साथ ही साथ पैंडा ग्लास का आपको यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। 650 निट्स की ब्राइटनेस है, इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है, और पॉसिबली 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी आपको दी गई है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी सेंसर मिल जाता है, और यहाँ पर भी आपको काफ़ी डिफरेंट मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। वैसे अच्छी बात है कि डे लाइट में और लो लाइट दोनों में ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर लेता है। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर मिलता है लेटेस्ट 7nm बेस्ड MediaTek का Dimensity 6020 का चिपसेट, जहां पर आपको आम वाले G57 MC2 का GPU दिया गया है, और ये स्मार्टफोन ऑनटू पर लगभग 3 से 3.25 लाख के आसपास स्कोर करता है। इसका मतलब आपको यहां पर परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। वैसे आप यहां पर काफ़ी अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे अगर पावर की बात करें तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको मिल जाती है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और ये स्मार्टफोन भी लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर आता है, तो ये अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की गाइस, तो अभी तक ये कन्फर्म तो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर पॉसिबली दोनों 5G बैंड का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है। बात करें प्राइसिंग की तो 4128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,999 रुपये। चलिए बढ़ते हैं अगले फ़ोन की तरफ। तो अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ है यहाँ पर iQOO की तरफ से आने वाला iQOO का Z6 Lite 5G। आपको डिज़ाइन के मामले में काफ़ी अच्छा मिल जाता है, हालांकि प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, तो बिल्ड क्वालिटी भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.58 इंचेस की फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, 500 नीट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है, हालांकि वाटर ड्रॉप नॉच आपको यहाँ पर मिलता है। वहीं पर कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं दो कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी स्नैपर दिया गया। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है, लेकिन इमेज आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते गाइस। तो ये स्मार्टफोन आपको मिलता है लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 चिपसेट के साथ में, और दोस्तों ये चिपसेट बना हुआ है 6nm की फैब्रिकेशन पर। साथ ही फोन के अंदर आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी मिल जाता है। रही बात ऑन तो गाइस, तो ये स्मार्टफोन 3,85,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि यार बजट के अंदर देखेंगे तो काफी अच्छे स्कोर है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी मिल जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के पावर हाउस की। बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलती है, 18W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन चार्जर आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। वहीं पर फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, और ये फोन भी आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर, और बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 13 भी देखने को मिल जाएगा। सो देखा जाए तो ये भी फोन अच्छा है, लेकिन याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 13,999 रुपए, पर बैंक ऑफर्स के साथ में ये फोन आपको 13,000 रुपए की प्राइस पर मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं आप उन यूजर्स की जिन्हें इस बजट के अंदर एक नॉन चाइनीज फोन लेना है, साथ साथ उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस और एक फ्यूचरिस्टिक यानी कि अच्छे 5G बैंड वाला फोन लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग का गैलेक्सी F14 5G रिसेंटली सैमसंग की तरफ से लॉन्च किया गया है,
और बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर बहुत अच्छे दिए गए। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली पीएलएस एलसीडी पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, अप टू 500 निट्स तक की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट देखने को मिलेगी। बात करते हैं आप यहाँ पर कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो शूटर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डिसेंट है। आउटपुट की बात करें भाई तो डे लाइट में आपको यहाँ पर फोटोज में कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको 5nm बेस एक्सिनोस का 1330 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो चिपसेट है ये कॉम्पिटिटर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का, जो कि आपको यहाँ पर ओवरऑल CPU परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। हालांकि गेमिंग आपको यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं करा सकता, लेकिन आपको डेली जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी निकाल कर देता है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और EMMC 5.1 वाला स्टोरेज आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की, तो इस फोन के बैक साइड में 6000mAh का बड़ा सा बैटरी आपको मिलता है और साथ ही साथ ये फोन 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। तो ओवरऑल बैटरी तो अच्छी है, लेकिन चार्जर बॉक्स के अंदर होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और तो और ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर, लेकिन यहाँ पर आपको कोर एडिशन देखने को मिलता है। पर ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ गाइस, ये जो फोन है ये आपको लगभग सभी 5G बैंड के सपोर्ट के साथ में मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको नॉर्मली पे करने पड़ेंगे 14,490 रुपये, बट दोस्तों बैंक ऑफर्स पर ये फोन आपको मिल रहा है 12,990 रुपये की प्राइस पर, तो आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फाइनली बात कर लेते हैं लिस्ट के आखिरी फोन की दोस्तों, और ये स्मार्टफोन यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन है, और ये फोन है दोस्तों यहाँ पर आइको का Z6 5G। ये फोन भी आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन के काफी कमाल के दिए गए। और हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.58 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल, पैंडा ग्लास का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है और लगभग आपको यहाँ पर 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। सो 5G स्मार्टफोन के तौर पर देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 कैमरास। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी काफी कमाल की निकल कर आती है। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। सो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट। और दोस्तों ये चिपसेट इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंतु पर लगभग 4,10,000 के आसपास स्कोर करता है, तो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आती है। साथ ही साथ LPDDR4 इसकी रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर हम पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, 18 वोल्ट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन और दोस्तों ये फोन भी लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको बता दूं कि ये फोन सिर्फ 2 5G बैंड को सपोर्ट करता है, लेकिन देखा जाए तो फोन काफी कमाल का है। अगर आप गेमिंग के साथ साथ 5G स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की दोस्तों, 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे लगभग 15,000 रुपये, बट गाइस अभी आपको बैंक ऑफर्स पर ये फोन मिल रहा है 13,499 रुपये की प्राइस पर। सो देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी कमाल का फोन है, आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 4 स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं लगभग 14,000 रुपये के अंदर, और सभी के अंदर आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन, बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है और तो और अच्छे खासे 5G बैंड्स भी दिए गए हैं, तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।